हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, ब्लड प्रेशर कम होना भी कोई छोटी समस्या नहीं है और समझेंगे इस वीडियो में कि किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं दवाइयों के माध्यम से। हालांकि कई वीडियोस में मैंने बोला है और ये बात फैक्ट भी है कि भाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए कोई डायरेक्ट दवा नहीं आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको एलोपैथिक दवाइयाँ बताऊँगा जिनसे आप मरीज का ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं अगर वो कम है तो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उससे पहले एक क्विज है, ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों पहली चीज़ तो ये आती है कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम है वो कब होता है, कब कम माना जाता है। तो देखो, 90-60 के नीचे अगर है, 90 सिस्टोलिक और 60 डायस्टोलिक है तो उसे अपन ब्लड प्रेशर कम मानते हैं, ठीक है। नॉर्मल कब होता है, 120-80 mmHg, ये नॉर्मल होता है। 120 सिस्टोलिक और 80 जो होता है डायस्टोलिक होता है। और ये डायस्टोलिक सिस्टोलिक नहीं समझ में आ रहा, वीडियो बनाया था देख लेना, बहुत आसानी से बताया मैंने, ठीक है। और वो फुग्गा वुग्गा फुलाए तो उसमें बलून्स फुलाए हैं उस वीडियो में, तो ज़रूर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ जाओगे आप। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कब कम होता है, कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये जानना ही बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इलाज तो अपन पहुँचेंगे, इलाज करेंगे। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी, महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको हो सकता है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, सेप्टिक हो कि सेप्टिक सेप्सिस हो गया है तब भी, नॉर्मल आपको चोट वोट लगी, आपको इन्फेक्शन बढ़ गया तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। खून की कमी, आपको एनीमिया है तो खून की कमी होगी तो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण की कमी, कई जगह पे आज भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज वहाँ पर उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता लोगों को, बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन का पोषण फैल रहा है, तो ऐसे लोगों में भी ब्लड प्रेशर कम होता है। हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, हार्ट दिल से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो तब भी वहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होगा। यहाँ पर दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी जितनी भी होती हैं शरीर में, जो भी जहाँ से हार्मोन्स निकल रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एड्रेनलिन होती है, थायराइड होती है, पैराथायराइड होती है ना, पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। इनसे निकलने वाले हार्मोन से हमारी बॉडी के कई तरह के फंक्शंस काम करते हैं। तो जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि जो भी ग्रंथियां अपने शरीर में हैं उनमें किसी तरह कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तब भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और तो और दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, कमजोरी और नमक की कमी की वजह से, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं डाइट में बहुत कम नमक खाते हैं तो इसलिए भी उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये तो होगा कारण। अब अगर बात की जाए कि देखो इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा, सिम्टम्स जानना ज़रूरी है कि आप किसी व्यक्ति को कब कहेंगे कि इसको ब्लड प्रेशर कम है। हालांकि चेक करने के बाद तो पता चलेगा ही, लेकिन सिम्टम्स भी होते हैं, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप पहले आइडिया लगा लेंगे कि इसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। जैसे कि फेंटिंग, व्यक्ति बार बार बेहोश होने की कोशिश करेगा, लेटने की कोशिश करेगा, बेहोश होने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, बेहोश तो वो अपने आप होगा। डिजीनेस, चक्कर बना रहेगा, सरदर्द होगा व्यक्ति का, थकान होगी और बिल्कुल उसको ताकत महसूस नहीं रहेगी शरीर के अंदर। साथ ही दोस्तों लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएगा वो, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ को ध्यान से नहीं समझ पाएगा। और दोस्तों डिप्रेशन भी होता है कई लोगों में जब उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, स्किन और हाथ की हथेलियाँ ये ठंडी सी पड़ने लगती हैं, मतलब टेम्परेचर जो होता है बॉडी का उससे कम रहता है, ठीक है ना, तो बॉडी टेम्परेचर भी गिरता है। और साथ ही रैपिड ब्रीदिंग, व्यक्ति को हो सकता है कि जल्दी जल्दी सांस ले, तो ये सब चीज़ें एक इशारा करती हैं कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अब फटाफट से समझ लेते हैं ट्रीटमेंट। तो देखो ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है आपको कि किस कारण से हो रहा है, जो मैंने आपको कारण क्यों बताए थे पता, इसलिए बताए थे अगर व्यक्ति किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर कम है तो आप उस टॉपिक, उस कॉज पे जाके काम करेंगे। जैसे कि किसी को नमक की कमी से हुआ तो आप उसको नमक घोल के दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उसको एंटीबायोटिक चला के इन्फेक्शन ठीक करेंगे, उसका वो हो जाएगा ठीक। एनीमिया है, खून की कमी है, आयरन सुक्रोज, आयरन की टैबलेट्स या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ये सब जब किया जाएगा तो आदमी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर भी कुछ दवाइयाँ चलती, मल्टीविटामिन्स वगैरह,
आयरन की टैबलेट्स चलती हैं, ठीक है ना। हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ जब सब बहुत सारी दी जाती हैं तो ये सब ठीक हो जाता है। तो ये तो होगा ही दोस्तों कि कारण के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। अब जान लेते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो पहली दवाई है दोस्तों यहाँ पे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन नाम से क्लियर है, स्टेरॉयड, ठीक है, स्टेरॉयड है। नाम क्या होता है इसका, फ्लोरिकॉट आता है, फ्लोरिकॉट एक टैबलेट है, फ्लोरिकॉट के नाम से आता है। इसके अंदर फ्लूड्रीकॉर्टिसोन होता है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये एक स्टेरॉयडल ड्रग है दोस्तों। इसको जब दिया जाता है तो आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बेसिकली दोस्तों इसे 1 मिलीग्राम ओरली टैबलेट दी जाती है और इससे आपके शरीर में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगता है और ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ने लगती है, तो इस तरह से आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। दूसरा दवा है दोस्तों मीडोड्राइन। मीडोड्राइन के ऊपर भी अपन ने वीडियो बनाया है पूरा डिटेल में, तो मीडोड्राइन भी दिया जा सकता है। मीडोड्राइन दोस्तों गट्रॉन के नाम से मिलता है, गट्रॉन, और ये जो है ब्लड वेसल्स को एक्सपांड करने से रोकता है। आप करके देखना घर पे, नली को दबाना आप इस तरह से, तो उसका जो डायमीटर है वो कम होगा तो पानी तेज़ी से जाता है, तो हमारी जो नसें होती हैं वो एक्सपांड होती हैं, मतलब कि फैल जाती हैं, तो जाहिर सी बात है ब्लड उतना ही है शरीर में, तो वो धीरे धीरे जाता है, लो हो जाता है। अगर इन ब्लड वेसल्स को एक्सपांड मतलब कि फैलने से रोक दें तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। माइडोड्राइन भी दिया जा सकता है, 2.5 मिलीग्राम टैबलेट चलती है, इससे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों पायरिडोस्टिगमाइन। पायरिडोस्टिगमाइन की टैबलेट्स ये भी चलती हैं। बेसिकली दोस्तों ये जो है डिस्टिनॉन के नाम से मिलता है मार्केट में, और ये 60 मिलीग्राम की टैबलेट चलती है, 60 मिलीग्राम की पायरिडोस्टिगमाइन की टैबलेट चलती है, और ये बेसिकली दोस्तों एसिटिलकोलिन ब्रेकडाउन को रोकता है, एसिटिलकोलिन ब्रेकडाउन को रोकता है और अपनी मसल्स को इम्प्रूव करता है, तो इस तरह से जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। चौथा है दोस्तों कैफीन। नॉर्मल सी बात है, कैफीन आप कॉफ़ी बना के पिलाएंगे मरीज को तो भी ठीक हो जाएगा उसका ब्लड प्रेशर, लेकिन आप चाहो तो टैबलेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो कई सारी दवाइयाँ जिनके अंदर कैफीन होता है वो चलाया जा सकता है, ठीक है। वो एक प्रकार का CNS स्टिमुलेंट होता है, वो आपके दिमाग पर काम करता है, आपको तरोताजगी है, आपको एक्टिवेट कर देता है। लास्ट एंड फाइनल तो नहीं कह सकते, एक इंजेक्शन दोस्तों बहुत महंगा आता है जो है दोस्तों एरिथ्रोपायोटिन। एरिथ्रोपायोटिन जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया की कंडीशन में लगाया जाता है, वो बहुत ही कम यूज़ होता है। जब बोन मैरो को कोई डिसऑर्डर होता है तब वो एरिथ्रोपायोटिन लगता है, और रखना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इसको इंजेक्शन को लाना ही बहुत मुश्किल है। 2 से 2500 रुपये का जर्रा सा इंजेक्शन आता है। तो ये इस इंजेक्शन की खासियत है कि ये बोन मैरो पे जाके काम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकता है। बेसिकली एनीमिया अगर है, एनीमिया के कारण अगर हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम होने को हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है, तो हाइपोटेंशन है तो ये उसको ठीक करके आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकता है। दोस्तों इन दवाइयों के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई ब्लड प्रेशर लो कब होता है, कारण क्या होते हैं और लक्षण कैसे होते हैं, आपको कैसे पहचानना है कि ब्लड प्रेशर लो है, और पूरा ट्रीटमेंट भी बताया है। तो इसी खुशी में दोस्तों लाइक कर दो वीडियो को, और अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं, और भी ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो देता है आपको दवाइयाँ और बीमारियों की जानकारी, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, खुश रहें।